हम शुरू करें लें जी अब हम कुछ क्वेश्चंस करने लगे हैं जितने कांसेप्ट्स पढ़े हैं ये सब अप्लाई करेंगे और सब गंदे गंदे क्वेश्चंस के ऊपर करेंगे एंड वी विल सी के जो हमने पढ़ा है वो हमसे अप्लाई होता है कि नहीं होता है। हाँ कासिम ये माइक्रो व्हाइट बोर्ड है ये जरा डिफरेंट है थोड़ा सा ये रोटेट करने देता है चीज को मैंने इसलिए रखा हुआ है इन द आंसर स्पेस राइट डाउन ऑल द लेटर शेप्स व्हिच हैव एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री जी ट्री देखना जरा किस किस की नजर आ रही है आपको मुझे तो ए की नजर आ रही है सी की कितनी नजर आ रही है सी की तो चार है वन सिमेट्री वन सिमेट्री इसकी इसकी है अच्छा अब ये जिसमें शेडेड बॉक्सेस होते हैं उसमें सिमेट्री में शेडेड बॉक्स शेडेड बॉक्स के ऑपोजिट आना चाहिए देखो इस रेड लाइन के ऊपर अगर मैं कलर कर, वो करूंगा फ्लिप करूंगा तो ये क्या हो जाएगी शेड लाइन बन जाएगी तो ए और ई e की एक लाइन ऑफ सिमेट्री है ए और ई e की वन लाइन ऑफ सिमेट्री है इधर अब तो स्क्वायर की तो फोर थी लीजिए लगे हैं रोटेशनल ऑर्डर को जरा थोड़ा सा इस शेप का रोटेशनल ऑर्डर देखते हैं बेटे ये शेप देखिएगा शेप बी इसको मैं रोटेट करने लगाऊंगी इसकी ओरिजिनल ऊपर आपको नजर आ रही है पेंटागॉन का फाइव होगा रेगुलर पेंटागॉन का फाइव होगा जी इसको जरा मैं रोटेट करने लगा काउंट करना मेरे साथ इज इट ओरिजिनल नो इज इट ओरिजिनल यस देख लो ओरिजिनल के ऊपर बराबर आ गया वन फिर रोटेट करते जाओ फिर रोटेट करते जाओ तो अब रोटेशन ऑर्डर कितना हो गया इसका टू तो इसका रोटेशन ऑर्डर आ रहा है टू तो एक तो बी का रोटेशन ऑर्डर आ रहा है टू ठीक है दोबारा करके दिखा देता हूं एक स्क्रीन कर लो गौर से देख लो गौर से देख लो दोबारा करके दिखा देता हूं एक सेकंड में मैं नीचे जो लिखा हुआ है ना उससे जान छुड़वा लूँ उसके साथ ही प्लेंग करके ये देख लो दोबारा अपनी ओरिजिनल वाली बी वाली शेप पे नजर रखना जरा ओरिजिनल बी वाली शेप पे ऊपर नजर रखना सो अब मैं रोटेट करने लगा हूँ यहाँ से स्टार्ट करके यहीं पे ख़त्म करना है मैंने सो यहां से बेटे मैं रोटेट करना शुरू करता हूँ यहां पे आता हूँ ये तो नहीं सेम हुआ दूसरी दफा बेटे हम यहाँ पे आते हैं दिस इज वन फिर रोटेट करते जाते हैं एंड व्हेन वी रीच हेयर दिस इज टू सो एक पूरा साइकिल कंप्लीट करके जब मैं आया तो मेरा रोटेशन ऑर्डर क्या था टू तो ये आ गया मेरे पास ओ -ओ, बी बी का तो रोटेशन ऑर्डर मुझे टू मिल गया डी को देखें जरा डी वाली डायग्राम देखिएगा जी ये जरा डी वाली डायग्राम देखना रोटेट करता जा रहा हूं कुछ नहीं सेम आ रहा नाउ नोटिस यहां पे क्या आ गया वन बिल्कुल सेम आ गया वन और फिर रोटेट करते जा रहे हो रोटेट करते जा रहे हो और अब आप, आप वापस आए हो तो 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 ये दिस इज डी तो शेप भी रोटेशनल ऑर्डर है एफ तो वैसे ही तो वो हमें पता है उसका रोटेशनल पहले टू होता है अब खुद सोचो अब तुम में से जो लोग सोच रहे थे कि तुम लोग रोटेट किए बगैर कर लोगे तो क्या तुम लोगों को नजर आ जाएगा इसका रोटेशनल ऑर्डर वहां पे नहीं आएगा कभी भी नहीं आएगा इसको रोटेट करके देखना पड़ता है हमेशा ले जी अब हम आ जाते हैं उनके ऊपर जिन क्वेश्चन से आप लोगों को बहुत डर लगता है सो so लेट्स सी कि इनसे कैसे बचा जाए ओके okay. यही है ना क्वेश्चन जिनके जिनसे तुम लोगों की जान निकलती है अब टेक्निक याद करवाऊंगा टेक्निक याद रखना जी ऑन द डायग्राम ब्लो शो टू मोर स्क्वेयर्स टू मेक अ पैटर्न दैट हैज अ रोटेशनल ऑर्डर ऑफ सिमेट्री टू अब बेटे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री आ गया आपके पास टू आपका अब चाहे शेप पर जो मर्जी रोटेशनल ऑर्डर हो आपको जब वो खुद से पहले रोटेशनल ऑर्डर बता देते हैं तो आपने क्या करना होता है थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई टू कर देना है। ये क्या आ गया वन एटी डिग्री दिस इज द एंगल वेयर वी विल स्टे वेयर वी विल मेक आवर फर्स्ट स्टे वन एटी डिग्री के बाद हम पहला स्टे करेंगे ठीक है अच्छा देखते हैं ये जी ये मेरा लेफ्ट वाला जो बॉक्स है ये जरा वर्किंग के लिए राइट वाला ओरिजिनल है राइट वाला ओरिजिनल है उसको जरा जेन में रखना अच्छा जी अब ओरिजिनल बॉक्स के ऊपर से बच्चों मेरे साथ साथ फॉलो करना नहीं तो फिर चीखों के समझ नहीं आ रही जो बोलूंगा स्लो पेस पे बोलूंगा साथ साथ फॉलो करना आपने इधर उधर के ड्रामे छोड़ के इधर आ जाओ ओरिजिनल बॉक्स के ऊपर ओरिजिनल बॉक्स के ऊपर जो बॉक्सेस शेडेड हैं उनकी जगह याद कर लो ओरिजिनल बॉक्स के ऊपर जो बॉक्सिस शेडिड है उनकी जगह याद कर लो क्या क्या शेडेड है लोअर लेफ्ट कॉर्नर में वन बॉक्स शेडेड है अपर राइट कॉर्नर में दो बॉक्स शेडेड है और बेटे ये देखो ये थर्ड कॉलम और सेकेंड रो फ्रॉम लेफ्ट बॉटम थर्ड रो थर्ड कॉलम और सेकेंड रो एक बॉक्स ये वाला शेडेड है तो ये चार टोटल बॉक्सेस शेडेड हैं इनको याद कर लें सबसे पहले इनको अपनी पिक्चर मेमोरी में बिठाएं अपने ब्रेन की पिक्चर मेमोरी में इसको बिठा लें जो क्योंकि आपने इसके बाद अपना ओरिजिनल पेपर रोटेट कर देना है आपने पेपर रोटेट कर देना है। अब बेटे आपने पेपर रोटेट करना है कितने डिग्रीज डिग्री डिग्रीज बेटे ये देखें दिस इज नाइनटी एंड टेक अ फुल एंड गो टू डिग्रीज डिग्रीज पे आपने जाके स्टॉप कर देना है अब आपने 180 डिग्रीज पे सोचना है कि क्या क्या कलर्ड था जी लोअर लेफ्ट कलर्ड था एक ये तो पहले से कलर्ड है इसको छोड़ दें अपर राइट right के दो बॉक्सेस कलर्ड होने चाहिए थे दो तो नहीं है कलर्ड दूसरा कलर कर दें अपर राइट right के दो बॉक्सेस कलर्ड हो गए लोअर लेफ्ट से बॉटम लेफ्ट से थर्ड कॉलम और सेकंड रो ये कलर होना चाहिए था इसको भी कलर कर दें जो लिखे हुए बॉक्सेस कलर कर रहा हूँ कलर कर दिए अब चलना कम्प्लीबारा चाहता हूँ गाइड करता जाता हूँ क्या करना है ठीक है तो ये तो बड़ा मसला हो गया अगर इसके साथ लिखे हुए रोटेट नहीं होगा अगर ये सो आपने क्या करना है सबसे पहले 180 डिग्री रोटेट करना है आप बिल्कुल रोटेट करोगे और जो बॉक्सेस आपने लिखे हुए हैं वन तो है, right और बॉटम लेफ्ट से बेटे थर्ड कॉलम और सेकेंड रो को कलर कर लेना और अब वापस रोटेट करके पेज सीधा करोगे तो ये बिल्कुल ठीक हो चुका होगा और उन्होंने दो शेड करने को कहते हमेशा लुप थ्री में करनी है सिमेट्री में में करनी है ऑन द डायग्राम बिलो शे टू मोर स्क्स टू मेक अ पैटर्न दैट हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री अच्छा अब इसकी हमें पता चार हो सकती है अगर मैं ये लाइन ऑफ सिमेट्री लेता हूं तो मुझे ये भी कलर करना पड़ेगा ये भी करना पड़ेगा ये भी और ये भी करना पड़ेगा इस लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए चार बॉक्सेस कलर करने पड़ेंगे लेकिन हमें सिर्फ कितने अलाउड थे हमें दो बॉक्सेस अलाउड थे सिर्फ सिमेट्री के लिए कलर करने को सो so, अगर तो बेटे में लाइन सिमेट्री आसान होती है जरा उस पर स्पीड से समझ आ जाती है बॉक्सेस अच्छा देखना तो अगर आपने लाइन सिमेट्री लेनी थी इधर तो हमने क्या किया मैंने क्या किया मैंने आ, अगर कहा कि वर्टिकल लाइन को सिमेट्री ले लो तो आपको शेडेड बॉक्सेस के हिसाब से उधर कलरिंग करनी पड़ेगी वो तो चार बॉक्सेस हो गए तो हमने कहा सॉरी जी हमें चार बॉक्सेस नहीं अलाउड हमें दो बॉक्सेस अलाउड है तो आपने कहा ठीक है फिर ये वाली लाइन सिमेट्री ले लो तो अगर ये लाइन ऑफिसमेट्री लोगे तो ये नीचे वाले शेडेड बॉक्स के लिए ऊपर वाला बॉक्स करना पड़ेगा ये ऊपर वाले दोनों कलर्ड बॉक्सेस के लिए ये दोनों बॉक्सेस करने पड़ेंगे और ये इस थर्ड बॉक्स के लिए ये वाला बॉक्स शेड करना पड़ेगा ताकि ये सिमेट्रिकल बने फिर से चार बॉक्स शेड हो गए दैट मीनस कि ये भी गलत लाइन ऑफ सिमेट्री है फिर आप कोई और नई लाइन ऑफ सिमेट्री ट्राई करोगे अब मैं ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री ट्राई करता हूँ अब जरा नोटिस करना कि क्या होने लगे हाँ ये सब कुछ पेंसिल से करना है डायग्राम है पेंसिल से करना बेटा ये देखो ये आधा स्क्वायर तो अपने ऊपर खुद ही शेड हो जाएगा ये आधा स्क्वायर भी अपने ऊपर खुद ही शेड हो जाएगा आपको इसको लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने के लिए एक तो ये और बॉक्स शेड करना है और एक ये दूसरा बॉक्स और शेड करना ठीक है सो ये दो बॉक्सेज इस लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए सिर्फ दो बॉक्सेस शेड होने

और इधर आ रही है आपने बस देख के उसको सिमेट्रिकल बना देना है, अच्छा। आते हैं। तो ये है उसकी। हमने बिल्कुल उसकी रिफ्लेक्शन देख के दूसरी तरफ अंदाजे से बनानी होती है वन मार्क है सिंपल चलो अच्छा अच्छे वाले क्वेश्चंस करवाता हूं इधर आओ

तुम दस साल भी सिमेट्री सीखते रहो तो वो नहीं कर सकते हो क्योंकि समथिंग सेट इन योर ब्रेन कैन चेंज वो IQ से रिलेटेड होती है मैं तुम्हें रूल सिखा सकता हूं मैं तुम्हें विजुअलाइज तो नहीं ना करना सिखा सकता दिमाग के अंदर नहीं मैं घुस सकता ब्रो दो लाइन सिमेट्री किसकी है जी बताए ऊपर से रेक्टेंगल की और रॉम्बस की अभी बता के आए ऊपर रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर टू किस किस का है जी पैलेलोग्राम का और रिक्टेंगल का रट्टा ये प्योर रट्टा है पैलेलोग्राम की सिमेट्री जीरो होती है अब्दुरमान गलत याद किया हुआ है ना अच्छा अभी मैं एक लिस्ट देता हूँ लिस्ट याद करके आना ठीक है एक लिस्ट देता हूँ लिस्ट याद करना आ, ओके जी डाइगनल्स आर इक्वल रेक्टेंगल के भी इक्वल होते हैं और स्क्वायर के भी इक्वल होते हैं सिंपल और ये है फ्री वाले ये फ्री के मार्क्स वाले क्वेश्चन करो जरा ये भी फ्री के अभी मैं इसकी प्रॉपर्टीज की लिस्ट देता हूँ याद करके जाना और रॉम्बस की रोटेशन सिमेट्री टू होती है बिल्कुल होती है नीचे लिखनी थी मैंने कहीं पर रॉम्बस टू चलो 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 जल्दी अब मुझे जल्दी पड़ गया मैंने ये रैपअप करना है यहाँ से बस एक लास्ट मिनट है ये जी हैज फोर इक्वल साइड्स एंड फोर एंगल्स ऑफ 90 डिग्री बच्चा भी बता सकता है स्क्वेयर होता है ये हैज जस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स ट्रेपेजियम को कहते हैं बेटे हैज जस्ट वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स एंड इट्स डायगोनल्स बाईसेक्ट एट नाइनटी डिग्री This is kite. देखो काइट बनाओ कभी भी एक सेकेंड मुझे बड़ी सी काइट बनाने के लिए जगह चाहिए काइट के अंदर बेटी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है और जब आप इसके डायगन बनाते हो ना तो वो डायगनल देखो कितने पे कट करते हैं। वो 90 पे कट कट वो बच्चों ये लिस्ट है इसकी जरा स्क्रीन लो ये लिस्ट है इसकी स्क्रीन ले लो